हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो न्यूट्रल एटम, आयन और एलिमेंट के लिए, एक्सेप्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अलावा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक वाई बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ओके, तो अगर दो सिग्मा बॉन्ड ऐड होते हैं तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, तीन सिग्मा बॉन्ड ऐड होंगे तो sp2 होगा, चार होंगे तो sp3 होगा, पांच सिग्मा बॉन्ड sp3d होगा, सिक्स सिग्मा बॉन्ड sp3d2, और सात सिग्मा बॉन्ड होंगे तो sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। आगे बढ़ते हैं हम। एक लोन पेयर है यानी कि दो इलेक्ट्रॉन हैं, उससे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड। ओके, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और कुछ टिप्स है, शुरू करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है सेंट्रल एटम से, और जबकि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा। ओके, जैसा आप पिक में देखोगे इस तरह से डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा ही ऐड होगा क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ही हाइब्रिडाइजेशन करने में काम आता है, तो हम पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं। ओके, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा जिसमें एक सिग्मा और दो पाई होगा, तो दो पाई का हम यूज़ करते नहीं हैं। एक्सेप्ट दिस एलिमेंट्स, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट सिंगल बॉन्ड से ही अटैच होते हैं ज़्यादातर, तो आपको बस इतना पता होना चाहिए। आप किसी का भी हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हो आराम से, एक बॉन्ड है तो वन सिग्मा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड, एक लोन पेयर है तो एक सिंगल बॉन्ड यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से। अब एग्जांपल की तरफ आते हैं, NO2+। तो आपको सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ आपको ये आता होगा। ओके, तो सेंट्रल एटम जो कम संख्या में प्रेजेंट है वो एटम सेंट्रल एटम होगा, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन का एक है, ऑक्सीजन के दो हैं तो ये सेंट्रल एटम होगा। ओके, ऑक्सीजन दो है तो ये साइड एटम होगा, तो हमें इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन सेंट्रल एटम का पता होना चाहिए। ओके, तो 1s2, 2s2, 2p3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं कि आउटर सेल के टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो पांच इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये पांच इलेक्ट्रॉन ही हमारे बाह्यतम कक्षीय संकरण करने में काम आता है। ओके, तो मैं नाइट्रोजन पे ये पांच इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करूँगा ब्लू इंक से, एक दो तीन चार पाँच। अब आप यहाँ पे, मैंने ये रेड से किया हुआ है, एग्जिट हो रहा है, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे प्लस आवेश है, तो इसने इलेक्ट्रॉन त्यागा है, एक एग्जिट किया है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन त्याग देंगे, तो हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन है, तब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, तो आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन से एक बंद बन जाएगा, तो दोनों में दो एक एक सिग्मा हो गया यानी कि दो सिग्मा, कौन सा हो गया sp, लोन पेयर कोई प्रेजेंट नहीं, इसे ज्योमेट्री लीनियर हो गया। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ जाते हैं, NO3-। तो पहला वाला पॉजिटिव एटम था, अब की बार नेगेटिव स्पीसीज लेते हैं, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, नाइट्रोजन, तो उसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम, सेम होगा वो, संयोजी इलेक्ट्रॉन पाँच होंगे, तो हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे नाइट्रोजन को, सेंट्रल एटम को लिखेंगे, उसके बाद में हम उसके इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन उन्हें लिखेंगे, एक दो तीन चार पाँच। ओके, अब मैंने रेड पिंक से यहाँ पे ऐड किया हुआ है, तो माइनस है यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए माइनस आवेश आएगा इस पर, तो ऑक्सीजन, आप तीन ऑक्सीजन को दो बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से जुड़ जाएंगे, देख सकते हो यहाँ पे ये तीन डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड, तो तीनों में तीन सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, तो जैसे हमने पहले देखा था sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। थर्ड है उदासीन, आपका आडू है s2, इसमें साइड एटम हाइड्रोजन है और सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, जिसका इलेक्ट्रिक कॉन्फिग्रेशन हमारे लिए यूज होगा, तो 1s2, 2s2, 2p4, सिक्स इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे, तो सिक्स इलेक्ट्रॉन आप सेंट्रल एटम पे ड्रॉ कर दोगे, तो हाइड्रोजन एक सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो एक इलेक्ट्रॉन से वो ऐड हो जाएगा,
अब हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन बचे हैं, दो ने बॉन्ड बना लिए हैं, तो दो बॉन्ड पेयर यानी कि ए दो बॉन्ड में दो लोन पेयर हमारे पास, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक लोन पेयर बनाए तो इसलिए चार सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ज्योमेट्री आप टेबल में जाके देख सकते हो, उसमें एंगुलर पता चल जाएगी आपको। आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री इजी है। नेक्स्ट वन वापस से Pf4- जिसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है, उसका इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 3s2 3p3। एक ही वर्ग के संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर सेल का जो विन्यास होता है वो सेम होता है। फॉस्फोरस ऐड किया, पांच इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पे अटैच किए। अब ये रेडिंग से है वो एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से लेंगे क्योंकि माइनस आवेश है। अब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो हमने बाकी के चार इलेक्ट्रॉन इससे ऐड करवा दिए, पांच इलेक्ट्रॉन। ओके, अब हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन बचेंगे जो एक लोन पेयर बनाएंगे, तो टोटली पांच सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे जो कि sp3d संकरण बनाएंगे, अनियमित चतुष्फलक ज्योमेट्री रहेगी। ओके, तो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन क्रिएशन का पता लगा सकते हो। ज्योमेट्री आप लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग देख सकते हो, ज़्यादा लोन पेयर आने पे रिपल्सन ज़्यादा होगा इसलिए ज्योमेट्री भी चेंज हो जाती है, वो आप टेबल से पता कर सकते हो आराम से। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, तीन सिग्मा बॉन्ड sp2, चार सिग्मा बॉन्ड sp3, पांच सिग्मा बॉन्ड sp3d, सिक्स सिग्मा बॉन्ड sp3d2, सेवन सिग्मा बॉन्ड sp3d3। एक सिग्मा एक बॉन्ड है तो एक सिग्मा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। ओके, और